नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद यादव, आपका स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। मेरे साथ में है अनु मैम फ्रॉम एनी फ्री सोल। उनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट करिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं टेस्टिंग बिस्लेरी के पानी की। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खास बिस्लेरी की बॉटल जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो पानी की बॉटल है ये आपको जनरली कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आपको जनरली मिलती है ये वाली पानी की बॉटल जो है प्लास्टिक की। ये जो बॉटल है ये पूरी की पूरी है कांच की। तो इस प्रीमियम ये है 100 रुपीज़ की, ये है 20 रुपये की। तो इसमें क्या फ़र्क क्या है हमको ये देखना है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है पानी तो मतलब सेम ही, 1 लीटर है दोनों में। लेकिन ये कहाँ पे बिकती है, ये ज़्यादा करके आपको मिलेगी बार्स में या फिर वाइनरीज में या थिएटर्स में, जहाँ पे आपको 10-20 रुपये की बॉटल वो बेच नहीं सकते। वहाँ पे उनको प्रीमियम प्राइस पे चीज़ें बेचनी होती है, वहाँ पे आपको ये बॉटल्स मिलेगी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास में मैं नॉर्मल बिस्लेरी लूँगा, एक ग्लास में हम लोग ये प्रीमियम पानी लेंगे। उसको हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, फिर हम लोग उसका TDS देखेंगे, फिर उसका pH भी देखेंगे और देखेंगे क्या सच में कोई चेंज है क्या दोनों में। सबसे पहले हम लोग अनु मैम के पास में है प्रीमियम, मेरे पास में है सादा पानी। खुल गई, लोग ऊंची पसंद खुल गई। चलिए इसमें मैंने डाल दिया है सादा बिस्लेरी और ये है प्रीमियम बॉटल वाटर, प्रीमियम बिस्लेरी ग्लास बॉटल। चलिए, एक रिसर्च में कहा गया था कि प्लास्टिक जो है, जब ये बॉटल्स हमारे पास आती है ये 1-2 महीना तो पुराना होती है, और अगर बॉटल्स जो है अगर धूप में पड़ी रही तो ये कैंसरस भी हो सकती है। अगर कांच की बॉटल में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलो टेस्ट रेडी, सादा बिस्लेरी ऐसा ही टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आया। Normal. तो अभी हम लोग सेकंड जो है उसका TDS चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल बिस्लेरी का TDS देखते हैं कितना है। इसका है 49-50 TDS का है ये पानी, और अभी इसका देखते हैं कितना है। कोई भी चेंज है ही नहीं, सेम 55 TDS का ही पानी है, मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। 55-57 सिमिलर है। अभी हम लोग चेक करेंगे इसको pH इंडिकेटर हमारे पास में है, जो 2-3 बूंद पानी ज़्यादा है तेरे इसमें डाल दे, कलर आना चाहिए ना, नहीं कलर आ गया, ग्रीनिश कलर है इसका, ना येलोइश कलर है इसका pH, यानी कि थोड़ा सा 6 pH के आसपास है, ये 6.5 के आसपास, 7 pH के आसपास है ये। मतलब बॉटल जो वाटर था उसमें वो थोड़ा सा एसिडिक है, ऐसे क्यों? कितना पीएच है इसका? 6.5 अबाउट 6 pH, नहीं इसका जो पीएच है ना ये 6.5 है और ये 6 pH लग रहा है, थोड़ा सा येलोइश कलर है, तो बॉटल्ड वाटर जो है कांच का वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का निकल रहा है, वेरेज हमारा जो है नॉर्मल वाटर जो है वो लिटिल बिट एसिडिक है, 6.5 के आसपास है, ऐसे क्यों? इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हो क्या है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 4th February, ये है 26, तो यूज बाय डेट है, मैन्युफैक्चरिंग 27-3-2022, 27 मार्च में ये मैन्युफैक्चर हुई थी, ये मैन्युफैक्चर हुई थी फरवरी में, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बिफोर जी। तो मुझे करेक्ट, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सिर्फ कांच की बॉटल की इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों, वेयर इज ये बॉटल की प्राइस 20 रुपये और ये बॉटल की प्राइस है 100 रुपये, तो प्लीज़ मुझे जस्टिफाई कीजिए कि क्यों 100 रुपये कांच की कीमत इतनी है, कांच की बॉटल कितनी है? अगर मैं बॉटल बेचेंगे ना, हाँ, कबाड़े वाले को तो बॉटल बोलेगा 5-3 रुपये में, 5 रुपये में। अगर हमें ऐसी कांच की बॉटल खरीदनी होगी तो कितने तक आएगी? 20-30
30 rupees तक almost. आएगी 30 rupees तक? आ जाती है, depends quality. और इसकी quality इतनी कुछ premium नहीं है कि बहुत महंगी आई है. तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कांच के लिए सिर्फ हम लोग इतने पैसे देना अफोर्डेबल है? क्या आपकी फीलिंग से प्लीज़ एक्सप्रेस कीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. वन मोर थिंग, जो हमारा मोटिव होता है बाहर जाके, हमारा पानी लेना होता है, ना कि हमारा कांच की बोतल परचेज करना. बिल्कुल सही कहा. लाइक फोर्सफुली दे आर गिविंग अस कि वी हैव टू टेक इट. नहीं, अगर अगर आप अल्कलाइन वाटर देते तो बात अलग होती, उसका पीएच थोड़ा अलग होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता. कोई डिफरेंस है नहीं पानी में, सेम पानी है, फिर भी इतनी प्राइस हाई क्यों? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अनु मैम के चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और चाहिए होगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.